The hope. Hope is given different names. Some call it expectation. Others term it future relevance. Some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. First stanza में poet hope के भिन्न भिन्न नामों के बारे में बता रहा है. वह बताता है कि लोग इसे भिन्न भिन्न different different नाम से जानते हैं. कुछ लोग इसे expectation यानी उम्मीद से जानते हैं, तो कुछ लोग इसे future relevance अर्थात भविष्य में मिलने वाले फल से जोड़कर देखते हैं. कुछ अन्य लोग इसे दूसरों के प्रति किए गए उपकार का पैमाना मानते हैं. लेकिन मेरे लिए आशा मनुष्य की आत्मा का सृजन करने वाली है, जो हम में आनंद भर देती है और हम में उत्साह से सराबोर करते हुए जीवन में खुशियां बिखेर देती है. सेकंड स्टैंजा. In past we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि हम लोग भूतकाल से वर्तमान काल तक आशा पर भरोसा किए हुए ही अस्तित्व में पहुंचते हैं, अस्तित्व बनाए रखते हैं. कहने का अर्थ है हम लोगों ने भूतकाल में आने वाले काल के लिए, आने वाले समय के लिए बेहतर की उम्मीद लगाई थी और वर्तमान में भी हम आने वाले समय के लिए यानी भविष्य में अच्छा होने की उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं. इस प्रकार से आशा हमें हमारे अस्तित्व में बनाए रखने का एक साधन भी है. आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार कर और हम में स्थिर चित्त और शांति का निर्माण करती है, जिससे हम निराशा को भूल कर आगे बढ़ते हैं. थर्ड स्टेंजा. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स. इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लू. आशा के कारण ही पक्षी उड़ पाते हैं. आशा के कारण ही वह अपने नवजात शिशु के भोजन की तलाश में उड़ते हैं और आने वाले नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए, उनके घर का निर्माण करने के लिए वह आवश्यक पदार्थों का एकत्रण करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं. यह आशा ही तो है जो पेड़ पर एक कली खिलाती है और उस कली को पुष्प और उस पुष्प को फल बनाती है. फोर्थ स्टेंजा. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज. होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड. यह आशा ही तो है जिसके कारण पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़कर नई पत्तियों की आशा में पूर्ण नग्न हो जाते हैं, यानी पतझड़ में अपने पूरे पत्तों को गिरा देते हैं. और एक दिन ऐसा भी आता है कि उनकी आशा रंग लाती है और एक बार पुनः वह अपने हरे रंग से सराबोर हो जाते हैं, यानी नई नई कोपले उन पर उगाती हैं और वह पुनः अपने पुराने रूप को धारण कर लेते हैं. यह आशा ही तो है जो मनुष्य के अंधकार रूपी अंधकार जीवन के अंधकार को प्रकाशमान करते हुए जीवन को आगे बढ़ाती है और हम में ताजगी और गर्मजोशी भरकर जीवन को भरपूर जीने को उत्साह वर्धित करती है.
Hop makes life go on. Life is a derivative of the function called hop. Hop is the prime excellence right from the day one is born. यह आशा ही तो है जो हमारे जीवन को निरंतर चलायमान रखती है। कहने का अर्थ है, कहने का भावार्थ है कि एक तरीके से आशा से ही मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह उम्मीद है। यह हमारे जन्म होने के साथ ही शुरू हो जाती है और हमारे लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करती रहती है। कहने का भावार्थ यह है कि मनुष्य को निरंतर कार्य करता रहना चाहिए, कर्म करता रहना चाहिए, क्योंकि निराशा के बाद ही आशा आती है। धन्यवाद।